हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 14 है मिसलिनियस की, जो डिटर्मिनेंट अपन पढ़ रहे थे, उसमें कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्स इक्वल टू 2 है, वो इसका पहले से आपके पास क्या है, एक रूट है, एक मूल है। ठीक है, मतलब अगर इस डिटर्मिनेंट को अपन सॉल्व करके बाद में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको पहले से ही 0 गिवन है। ठीक है, तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल टू 2 आएगी। तो वो कह रहे हैं बाकी अदर जो रूट्स हैं, मतलब और एक्स की वैल्यू क्या क्या आने वाली है, वो भी आपको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 2 तो अपने को पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, बाकी अपन इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो एक्स की और वैल्यूज़ भी अपने पास आएगी। तो कुल मिला के अपने को क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो आपको पहले से ही 0 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पे जो C1 और C3 आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, C1 और C3 है ना, X2 माइनस 3 या माइनस 1, X-3 और X+2। इन दोनों को मैं क्या करूँगा, अगर एड करूँगा, देखो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी लगाना ही मुश्किल होगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि अपना टारगेट क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बनाएं या ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाएं। तो हो सकता है कहीं डायरेक्ट 0 बन जाए, 0 नहीं बन रहा है, तो अपने किसके लिए कोशिश करनी है, 1 बनाने के लिए। तो C1 में मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, C1 + C3। C1 को C3 को C1 में ला के आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो क्या चेंजेस होने वाले हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड करा तो X-1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 + X-3 किया, 2 + X-3 तो क्या हुआ, प्लस का 2 और माइनस का 3, तो अगेन क्या बना, X-1, और यहाँ पे -3 + X-2 करूँगा तो वापस क्या बनेगा, X-1। क्लियर है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर करना है कि कैसे ये आपके पास X-1 ईजिली बन सकता है। अब प्रॉपर्टी 4 के बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी 6, तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएंगे, और 1 बनने के बाद अपन क्या करेंगे, वहाँ पे 0 क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो C1 में चेंज किया है मैंने, बाकी एज इट इज़ रहेगा, -6 -1 माइनस का 3x, X-3 2x और X+2 इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, 0। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं इम्प्लाइज का साइन लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो पहले से ही अपने को गिवन है। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके फर्स्ट कॉलम से क्या कर रहा हूँ, X-1 को क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 और बाकी सब एज इट इज़, -6 -3x 2x -1 X-3 और X+2, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0। क्लियर है, अब अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 अपने पास बन चुका है। तो आप एक कॉन्सेप्ट को काम में ले सकते हो, जैसे सपोज मैंने R1 को ले लिया, R1 को किस में से माइनस कर रहा हूँ मैं, R2 में से, और R1 को ही मैं किस में से माइनस कर रहा हूँ, R3 में से, है ना। तो चाहो उससे कर सकते हो, मुझे यहाँ पे क्या करने हैं, 0 बनाने, मेरा यही तरीका, मैं इसी से करता हूँ। तो R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, 6 प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या कर रहा हूँ, R2 - R1, और फिर मैं R3 में भी चेंज करूँगा तो वहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अगेन R3 - R1 ही करने वाला हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट में X-Y आपके पास कॉमन आ चुका था। अब देखो R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 एज इट इज़ आ जाएगी, 1 - 6 - 1, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 गिवन है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं इम्प्लाइज का साइन। अब क्या करना है, R2 - R1, तो 1 - 1 क्या आएगा आपके पास, 0। ठीक है, फिर क्या है, -3x है, ध्यान से देखो क्या है, -3x है, और मैं -6 को नीचे ला के क्या करना है, -R1 करना है, तो -6 करूँगा तो क्या हो जाएगा, +6, तो -3x + 6 होगा, तो मैं उसको लिख देता हूँ 6 - 3x। क्लियर, फिर वापस X-3 है तो -1 को नीचे ला के क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा तो -1 नीचे ला के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो X-3 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, X-2। ठीक है, क्योंकि ये -1 क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लियर है, तो X-2 आ जाएगा। फिर मुझे चेंज करना है R3 में क्या करना है, R3 - R1, तो 1 - 1 करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। फिर 2x - -6 करूँगा तो अगेन -6 क्या हो जाएगा, +6, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 6,
और यहाँ पे x प्लस टू है, फिर मैं माइनस माइनस वन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन, तो x प्लस टू प्लस वन क्या हो जाएगा x प्लस थ्री। अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपके पास और भी फैक्टर है जो कॉमन आ सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर कॉमन आ सकते हैं देखो, अब यहाँ पे इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। माइनस सिक्स माइनस वन एज इट इज़ है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सिक्स माइनस थ्री एक्स है, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस थ्री कॉमन लूँ, या फिर आप थ्री कॉमन ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, एक ही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस थ्री को कॉमन ले रहा हूँ। माइनस थ्री जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो जहाँ पे माइनस थ्री एक्स है वहाँ पे मेरे पास क्या आएगा एक्स, और जहाँ पे प्लस का सिक्स है वहाँ पे क्या आएगा माइनस टू। क्लियर है, इस माइनस वन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने माइनस थ्री कॉमन ले लिया बिकॉज यहाँ पे भी क्या बन रहा है एक्स माइनस टू बन रहा है, इसलिए मैंने माइनस थ्री को कॉमन लेके सिक्स माइनस थ्री एक्स है तो ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस सिक्स, तो माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू। क्लियर है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको जीरो गिवन है। अब यहाँ पे टू एक्स प्लस सिक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस थ्री है, तो यहाँ पे अपन टू कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा एक्स प्लस थ्री बनेगा, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास एक्स प्लस थ्री है। अब प्रॉपर्टी सिक्स आपने आर टू और आर थ्री में अप्लाई की, तो अब प्रॉपर्टी सिक्स के बाद में किसका नंबर आएगा, प्रॉपर्टी फोर का। तो आपको क्या करना है, आर टू में से एक्स माइनस टू को कॉमन लेना है और आर थ्री में से एक्स प्लस थ्री को कॉमन लेना है। प्रॉपर्टी फोर को मैं अप्लाई करूँगा, एक्स माइनस वन ऑलरेडी अपन कॉमन ले चुके थे, अब एक्स माइनस टू कॉमन आ जाएगा आर टू से और एक्स प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा आर थ्री से। क्लियर है, तो वन माइनस सिक्स माइनस वन, फिर क्या आया ज़ीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस थ्री, यहाँ पे वन, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे टू और यहाँ पे वन। अब यहाँ पे अपन ने कॉमन लिया है तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर x माइनस टू इन दो जगह तो है बट यहाँ पे जीरो, यहाँ पे x माइनस टू नहीं है, तो जिसके पास कॉमन नहीं होगा वो कहाँ जाएगा, उसके डिवाइड में जाएगा, तो जीरो अपॉन x माइनस टू क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। इसीलिए पहले मैंने यहाँ पे क्या करा है, जीरो क्रिएट करा है, ठीक है, क्योंकि जीरो अगर किसी के पास होता है तो अपन वहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो अब आपके पास बन चुका है, अब अपन क्या करेंगे, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे C1 में दो जीरो बने हुए हैं पहले से, तो C1 के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो x माइनस वन, x माइनस टू और x प्लस थ्री आपके पास आ जाएगा। अब मैं C1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दूंगा, तो मैंने ले लिया 1 को, ये A11 है तो पॉजिटिव रहेगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको मैंने छुपा दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2। बाकी मेरे को इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये क्या है 2-1 तो माइनस 0 और यहाँ पे 3-1 है तो प्लस 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो इनके साथ जो भी डिटर्मिनेंट बनेंगे लास्ट में किससे मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो इनको नहीं लिखना, इसीलिए तो अपन ने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया था कि ज़्यादा अपने को सॉल्यूशन नहीं करना पड़े। तो फैक्टर आपके पास क्या बने हैं, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री और माइनस टू क्या बनेगा आपके पास माइनस फाइव, माइनस फाइव जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे चारों फैक्टर का जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास क्या है ज़ीरो है, तो या तो एक्स माइनस वन ज़ीरो के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको वन, या एक्स माइनस टू ज़ीरो के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू कितने मिलेगी आपको टू। ये क्वेश्चन में भी गिवन था कि एक्स इक्वल टू टू, इसका क्या एक मूल है एक इसका रूट है। अब x प्लस थ्री अगर आप जीरो के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस थ्री, रही बात माइनस फाइव की, तो माइनस फाइव तो एक नंबर है वो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता। तो फाइनली आपको x की यहाँ पे तीन वैल्यूज़ मिल चुकी है, जिसमें से एक वैल्यू आपको पहले से ही बोला हुआ था कि x इक्वल टू टू क्या है, यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है इसका एक रूट है एक वैल्यू है, तो वो तो आ गई, और बाकी जो रिमेनिंग थी जो शेष वैल्यू थी वो अपने को निकालनी थी, वो कितनी आएगी x की वैल्यू वन और x की वैल्यू क्या आएगी माइनस थ्री। क्लियर है, इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें अपने को फिर से प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और आंसर आपके पास आना चाहिए 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो LHS है अपना जिसको अपन डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसमें चेंज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी 6 से, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इन सबको ऊपर ले जाके क्या कर रहा हूँ मैं ऐड कर रहा हूँ, उससे थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस सी और माइनस बी दिख रहे हैं, तो मुझे क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या करना है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो माइनस सी को यहाँ पे ऐड करूँगा तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी को ऐड करूँगा तो क्या होगा
प्लस बी से कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली अपन यहाँ पे चेंज करेंगे आर वन में, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ए वन वन ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी और माइनस का बी, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, ए ही आएगा। और यहाँ पे अपन चेंज कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें क्या माइनस का सी और माइनस का ए, तो ए और सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, बी। और इसमें आप सी थ्री में नोटिस करोगे, मतलब अपन को ऐड कहाँ पे करना है, इन तीनों को, मतलब ये क्या है आर वन का है, ये आर टू का है और ये आर थ्री का है, इनको अपन ऊपर ले जाके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का बी और माइनस का ए है और यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी है, तो ए और बी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, सी आएगा। क्लियर है। अभी R1 में चेंज करना था, इन दोनों को R2 को और R3 को R1 में ले जाके ऐड कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज़ में अप्लाई कर देता हूँ, माइनस बी माइनस ए और C प्लस ए प्लस बी। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे सिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, अब यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी जैसा कुछ बन नहीं रहा है ना, मैंने 99% टाइम बोला था, 100% नहीं बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे ए को और बी को अपन ऐड करें तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस सी है तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे माइनस ए माइनस बी है तो इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ किस में, कॉलम में, क्या सी वन प्लस सी टू कर रहा हूँ सी वन की जगह, और सी टू में चेंज कर रहा हूँ सी टू प्लस सी थ्री। अगेन मैंने सिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी सी वन में और सी टू में, सी वन में क्या करना है सी वन प्लस सी टू, और सी टू में क्या करना है सी टू प्लस सी थ्री। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ये वापस प्रॉपर्टी सिक्स अप्लाई की है मैंने सी वन में और सी टू में, आप चाहो तो एक एक बार कर सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सी वन और सी टू में अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ पे माइनस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो c कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी, माइनस का a और माइनस b को ऐड करेंगे तो माइनस a माइनस b, और माइनस कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी। क्लियर। इसी तरीके से सी टू में चेंज करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, b प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, b प्लस सी, यहाँ पे माइनस a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, b प्लस सी। क्लियर है। सी थ्री में कोई चेंज नहीं है तो सी माइनस ए और सी प्लस ए प्लस बी मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है इतना। अब अपन प्रॉपर्टी फोर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सी वन है, फर्स्ट कॉलम है, पहला स्तंभ है, उसमें से कौन कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी, और दूसरा जो कॉलम है उसमें से कौन कॉमन आएगा, बी प्लस सी। ठीक है। तो a प्लस बी और b प्लस सी आपके पास प्रॉपर्टी फोर से क्या होंगे, कॉमन आ जाएंगे, किससे, C1 से और C2 से। तो अब आपके पास क्या बचने वाला है, 1, 1 और माइनस वन, यहाँ पे 1, 1 और 1, यहाँ पे C माइनस ए और C प्लस ए प्लस बी। ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 बन गए तो अपन इनको माइनस करके यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बना लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ R1 में, R1 माइनस R2 कर देता हूँ, आप चाहो तो कॉलम में भी कर सकते हो। ठीक है। प्रॉपर्टी सिक्स मैंने अप्लाई कर दी तो a प्लस बी और b प्लस सी अपने पास कॉमन आ गया था पहले से। अब r1 माइनस r2 करना है तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। अब r1 माइनस r2 करना है तो c माइनस माइनस a करूँगा तो क्या हो जाएगा, c प्लस a, उसको मैं लिख देता हूँ a प्लस c, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है। तो 1 1 माइनस a, r1 में चेंज था r1 माइनस r2, बाकी एज इट इज लिख देता हूँ, माइनस 1 1 और C प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, R1 में दो जगह जीरो बन चुके हैं। अब इसको अपन R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा जीरो, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर वो क्या बनेगा, जीरो। यहाँ पे मैं माइनस जीरो लिख रहा हूँ क्योंकि ये ए वन टू है, यहाँ पे भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ए प्लस सी आया, ए वन थ्री को मैंने लिया तो प्लस का ही रहेगा ही। अब ये जिस रो और कॉलम में है उसको अपने को सॉल्व करना है तो 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1, और माइनस 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस 1, बट ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में क्या जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। क्लियर है। तो क्या आया, 2 इंटू ए प्लस सी, और बाहर क्या चल रहा था आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी और यहाँ पे ए प्लस सी, और 1 और 1 2 हुआ था उसको मैंने यहाँ लिख दिया तो ये अपना RHS के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अपने को प्रॉपर्टीज अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आपको CBSE 2006 और 2007 में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो अभी अपने को इसका आंसर लेके आना है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आना चाहिए। ठीक है।
तो अगेन आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे क्या ए माइनस बी माइनस सी, टू ए टू ए, फिर आपको क्या दिख रहा है टू बी और टू सी। ठीक है, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अपन यहाँ पे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना लें। ठीक है, बट जीरो बनाने के साथ थोड़ा सा भी आप आंसर का भी ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे टू ए दिख रहा है, अगर इनको माइनस करोगे तो टू ए माइनस टू ए होगा, तो केवल एक जगह यहाँ पे क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है। बट आंसर में अगर ध्यान रखो कि ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो टू बी है टू सी, और यहाँ पे क्या माइनस बी और माइनस का सी, अगर इनको ऊपर ले जाके आप ऐड करोगे, ठीक है, तो टू बी और टू सी ऐड होगा, तो माइनस बी माइनस सी जाने के बाद यहाँ क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो सब जगह आपके पास क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि फॉर्मेट सेम है। यहाँ टू बी टू सी है तो यहाँ पे टू सी और टू ए है, यहाँ पे टू ए टू बी है तो यहाँ पे सी माइनस ए माइनस बी है। तो अगेन प्रॉपर्टी सिक्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, आर वन में चेंज कर रहा हूँ, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये चेंज आप किसी में भी कर सकते हो। इसे मैं चेंज आर वन में कर रहा हूँ ना, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये काम आप आर टू में भी कर सकते हो, आर थ्री में भी कर सकते हो। ठीक है, वहीं से ये कॉमन आ जाएगा। तो अब इनको ऊपर ले जाके ऐड करूँगा, तो माइनस बी माइनस सी है तो टू बी और टू सी से माइनस बी माइनस सी होगा, तो क्या आएगा बी और सी प्लस में, और ए अपने पास है ही, तो क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। और सेम अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इनको इधर ऊपर ले जाके ऐड करेंगे, तो माइनस सी माइनस ए, टू सी और टू ए है, तो अगेन क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। और सेम टू सेम यहाँ पे भी आपके पास क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि माइनस ए और माइनस बी टू बी और टू ए को रिमूव करके ए प्लस बी हो जाएगा, और सी पहले से ही पॉजिटिव अपने पास है। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है, तो टू बी टू सी एज इट इज़, बी माइनस सी माइनस ए, टू सी टू बी सी माइनस ए माइनस बी, क्लियर। अब अपन ने प्रॉपर्टी सिक्स अप्लाई कर दी, तो अब ईजिली अपने को दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी है वो कॉमन आ रहा है आर वन से, तो मैं प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करके ए प्लस बी प्लस सी को मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आया वन वन वन, यहाँ पे टू बी, यहाँ पे टू सी, बी माइनस सी माइनस ए, टू सी टू बी और सी माइनस ए माइनस बी, क्लियर है। ठीक है, तो अब अगर अपन आगे चलें तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, वन वन बन गया, तो अपन क्या करेंगे ज़ीरो बनाएंगे, और अपने को साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अपने को आंसर में क्या लाना है ए प्लस बी प्लस सी, एक बार तो आ चुका है, अपने को चाहिए क्यूब। ठीक है, तो मैं चेंज कर रहा हूँ अब यहाँ पे सी टू में, प्रॉपर्टी सिक्स अप्लाई करके सी टू में चेंज कर रहा हूँ मैं सी टू माइनस सी वन, और मैं प्रॉपर्टी सिक्स अप्लाई कर रहा हूँ फिर से, और सी थ्री में भी चेंज कर रहा हूँ सी थ्री माइनस सी वन। ठीक है, देखो मैंने एक सी वन को पकड़ लिया, आप नोटिस करो तो पहले मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी जब ऐसे करा था तो मैं एक चीज़ को पकड़ लेता हूँ, जैसे सी वन को पकड़ लिया तो मैं सी टू माइनस सी वन कर रहा हूँ, सी थ्री माइनस भी क्या कर रहा हूँ सी वन ही कर रहा हूँ, अलग अलग नहीं कर रहा, तो उससे अपने को कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सी वन में कोई चेंज नहीं है, तो वन टू बी और टू सी एज इट इज़ लिख दिया, फिर सी टू माइनस में क्या कर रहा हूँ सी वन, तो वन माइनस वन यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को ज़ीरो, वन माइनस वन यहाँ पे क्या मिलेगा ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या बी माइनस सी माइनस ए, देखो बी माइनस सी माइनस ए, मुझे माइनस करना है क्या सी वन को सी टू में से, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का टू बी, क्लियर है, तो ये प्लस का बी है और ये माइनस का टू बी है, तो यहाँ से क्या होगा बी माइनस टू बी, तो क्या आ जाएगा माइनस का बी। अब यहाँ पे माइनस सी माइनस ए माइनस बी है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, जो कि अपने को चाहिए क्यूब चाहिए, अभी तो एक बार ही आया। ठीक है, और फिर मैं 2c माइनस 2c करूँगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ज़ीरो, तो c2 माइनस c1 हो गया, c2 में चेंज हो गया, अब अपन c3 में कर रहे हैं c3 थ्री माइनस सी वन, तो यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस वन क्या बनेगा ज़ीरो, यहाँ पे 2b है 2b माइनस 2b क्या बनेगा ज़ीरो, क्लियर है। अब यहाँ पे है c माइनस a माइनस b, तो यहाँ पे वापस क्या होगा माइनस 2c, तो अगेन ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा, क्या आएगा माइनस का a माइनस का b माइनस का c, मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो a प्लस b प्लस c, क्लियर है इतनी चीज़। अब अपन क्या कर सकते हैं C2 और C3 में से भी A प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके, एक बार तो था, एक बार अब C2 से आ जाएगा और एक बार C3 से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी का क्यूब, क्लियर है। और 1 टू बी टू सी और 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि जहाँ पे A प्लस बी प्लस सी नहीं है वहाँ सब जगह क्या है ज़ीरो है, तो कोई टेंशन नहीं है, फिर वापस 0 0 और यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, अब अपन इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर क्या आना चाहिए 1, क्योंकि आंसर में तो केवल यही आ रहा है ना, तो इस पूरे फॉर्मेट का आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तभी यह आंसर रहेगा। अब आर वन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देता हूँ, मैंने 1 को लिया तो माइनस वन इंटू माइनस वन तो प्लस का 1, और 0
फिर वापस ये, तो माइनस जीरो प्लस जीरो आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फाइनली ये वन इंटू वन क्या मिला, वन ही मिला, तो आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, यही अपना क्या था, आरएचएस था। तो इसी तरीके से अपन जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है जिनमें अपने को प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चंस की आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।